क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। यही वजह है कि प्रत्येक मैच के लिए क्रिकेटर्स को लाखों रुपए की सैलरी मिलती है। बोर्ड भी हर मैच में करोड़ों कमाता है। आज हम बताएंगे क्रिकेटर्स की कमाई के आधार पर टॉप 10 की सूची। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, इरफान पठान। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पब्लिक जस्टिस प्लाटून का हिस्सा, जिसने 2007 आईसीसी विश्व 2020 और 2013 आईसीसी टाइटल होल्डर्स ज्वेल जीता। इरफान पठान एक तेज मध्यम स्विंग गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। उनका असाधारण गेंदबाजी कौशल उन्हें वास्तव में लोकप्रिय बनाता है और पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू टेस्ट मैच में उनके लिए चमत्कार पैदा करता है। वह अपने भाई यूसुफ पठान के साथ द क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान चला रहे हैं। 2022 में इनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन होने का अनुमान है। नंबर 9, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने 2001 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू किया और तेजी से अपनी पहचान बना ली। 2009 में वह दुनिया में विजडन लीडिंग क्रिकेटर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने और 2010 में लगातार वैकल्पिक समय के लिए इसे फिर से जीतने वाले पहले भारतीय बने। 2015 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्त होने के बाद से उन्होंने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के डोपिंग रोधी अपील पैनल में काम किया। माना जाता है कि वर्तमान में इनकी कुल संपत्ति 40 मिलियन है। नंबर 8, जैक कैलिस। जैक कैलिस सबसे सफल दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटरों में से एक है, जिन्होंने सार्वजनिक पलटन के लिए कई रिकॉर्ड बनाए थे, क्योंकि वह एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वालों में से एक हैं। कैलिस ने अपने पेशेवर क्रिकेट करियर के माध्यम से खगोलीय रूप से कमाया और उनकी कुल संपत्ति 48 मिलियन है। नंबर 7, शेन वॉटसन। शेन वॉटसन एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, जिनके छक्के मारने और उचित संतुलन बनाने में उत्कृष्ट चाप है। वह स्टाइलिश खिलाड़ियों में से एक हैं। जब उन्होंने पिछली बार अपनी बीबीएल की ओर से वापसी की घोषणा की थी, उनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन है। वह आरसीबी द्वारा प्रति सीजन 9.5 करोड़ रुपए के दो बार के अनुबंध पर खरीदे गए सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं। नंबर 6, ब्रायन लारा। लारा के नाम 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 400 रन बनाकर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी है। 2012 में कैरेबियाई दिग्गज को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ब्रायन लारा जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लारा के पास अभी भी 60 मिलियन की उल्लेखनीय संपत्ति है। नंबर 5, युवराज सिंह। युवराज भारतीय टीम के पूर्व खतरनाक ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं, जो अपने स्टाइल के लिए काफी अधिक मशहूर थे। इसके अलावा युवराज के नाम क्रिकेट जगत के कई ऐसे अनोखे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। युवराज की बल्लेबाजी के दम से उनकी फैन फॉलोइंग इतनी अधिक है कि इससे उन्होंने ब्रांड का प्रचार प्रसार करके करोड़ों रुपए कमाए। यदि हम इनकी नेटवर्थ की बात करें तो इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 255 करोड़ है। नंबर 4, रिकी पोंटिंग। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर की सूची में ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष कप्तान का नाम भी आता है। रिकी पोंटिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक हैं। उन्होंने अपने 560 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कमांडर लगातार 2 विश्व कप में विजेता कप्तान बनने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। वह क्रिकेट क्लब कंपनी कुकाबुरा के ब्रांड मंत्री थे। रिकी पोंटिंग दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में से एक है और घोषणाओं के माध्यम से एक बार में लगभग 4 मिलियन कमाए। नंबर 3, विराट कोहली। विराट कोहली इस समय पृथ्वी पर सबसे अधिक बिक्री योग्य क्रिकेटरों में से एक हैं। अपने जबरदस्त ऑन फील्ड कौशल से दूर, विराट कोहली ऑनलाइन सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली हस्तियों में से एक हैं। पूर्व कप्तान सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं हैं, वह खुद एक ब्रांड है और पेप्सी, गूगल, हीरो मोटोकॉर्प, MRF और टिसोट के साथ हस्ताक्षर के साथ कोहली दुनिया भर की कंपनियों के प्रिय है। नंबर 2, महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट में अगर किसी कप्तान को सबसे महान माना जाएगा तो वो महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे। धोनी को बहुत सी परेशानियों का सामना करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला था, जिसके बाद फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने क्रिकेटिंग करियर को आगे बढ़ाते रहे। धोनी ने अपनी कप्तानी में ICC की 3 ट्रॉफियों को जीता है, लेकिन अगर हम इनकी कमाई की बात करें तो ये सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कमाते हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 885 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 1,
सचिन तेंदुलकर। भारतीय क्रिकेट में लोग सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं। इसके साथ साथ सचिन की इंडिया में बहुत अधिक फैन फॉलोइंग है। उन्होंने अपने करियर में 100 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसे अभी तक कोई भी खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सचिन तेंदुलकर ने कई सारे इंडियन ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड का प्रचार प्रसार भी किया है, जिससे इनकी कुल नेटवर्थ लगभग 800 करोड़ के आसपास है। इनमें से आप कौन से खिलाड़ी के फैन हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।